मूवी की शुरुआत रसिया के एक कैसल से होती है जहां हम एनेस्टीसिया नाम की लड़की से मिलते हैं, जहां उसका इकलौता फ्रेंड रेस्पुतिन उसके साथ होता है। रेस्पुतिन एक होमलेस चाइल्ड होता है, उसके पास मैजिकल पावर भी होती हैं। एनेस्टीसिया की विश होती है कि वो सारे रशियन कैसल में आ सकें। रेस्पुतिन कहता है जब आप रानी बनोगे तब ऐसा ज़रूर होगा। फिर वो उसे बॉल के लिए तैयार होने को भेज देता है। सास न्यूक्लियस रशियन का रूलिंग किंग होता है। वो रेस्पुतिन से बहुत खुश होता है क्योंकि उसने हमेशा एनेस्टीसिया की मदद की है, इसलिए रेस्पुतिन को रशिया का ग्रेट परफेक्टर ग्रेगरी बना दिया जाता है। फिर एनेस्टीसिया अपनी फैमिली के साथ बॉल में आती है, सब पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कैसल पर लेनिन अपने आदमियों के साथ अटैक कर देता है। लेनिन सास न्यूक्लियस को मारकर रशिया का किंग बनना चाहता था और वो उसकी हेल्प इनहेंट्रेस यारा करती है, मगर रेस्पुतिन सास को लेकर बेसमेंट में मौजूद सीक्रेट रूम में ले जाता है। रेस्पुतिन अपनी पावर से एक पोर्टल बनाता है और रेस्पुतिन एनेस्टीसिया को एक पेंडेंट देता है जिसकी पावर ये होती है कि अगर कोई बुरा इंसान उसके पास आएगा तो वो पेंडेंट रेड हो जाएगा और कोई अच्छा इंसान आएगा तो वो ब्लू हो जाएगा। सब पोर्टल से जाने लगते हैं कि तभी लेनिन वहाँ आ जाता है और न्यूक्लियस पर अटैक कर देता है। सिर्फ एनेस्टीसिया ही पोर्टल से जा पाती है। रेस्पुतिन उसके ड्रेस पर एक ट्रैकर लगा देता है। यारा रेस्पुतिन को हिप्नोटाइज करके अपने साथ मिला लेती है और एनेस्टीसिया को ढूंढने का ऑर्डर देती है क्योंकि लेनिन रोमानोवा फैमिली की पूरी नस्ल को खत्म करना चाहता था। इधर एनेस्टीसिया पोर्टल से होते हुए 1989 में एक सिटी के प्लेग्राउंड में आ जाती है। एनेस्टीसिया के लिए ये सब बहुत नया होता है क्योंकि उसने इतनी एडवांस चीजें कभी नहीं देखी थी। वो चलते हुए सड़क पर एक कार के सामने आ जाती है जिसमें मेगन अपनी स्टेप मदर के साथ कहीं जा रही होती है। अचानक से सामने आने पर उसकी मॉम ब्रेक लगाती है और एनेस्टीसिया वहां से भाग के निकल जाती है। मेगन पार्टी में जाकर बेट्रेस को गिफ्ट देकर स्केटिंग करने लगती है। इधर बेट्रेस उसका गिफ्ट खोलती है जिसमें एक बुक होती है। वो उसे बोरिंग कहकर डस्टबिन में फेंक देती है। मेगन ये सब देख लेती है और उदास होकर घर वापस आ जाती है। मेगन बुक लेकर वापस बुक स्टोर जाती है। वहीं एनेस्टीसिया भी होती है। मेगन को देखकर पेंडेंट ब्लू कलर का हो जाता है। मेगन बुक स्टोर से रोमानोवा फैमिली के बारे में बुक लेकर घर लौटने लगती है। एनेस्टीसिया अपने लॉकेट पर यकीन करके मेगन का पीछा करती है। घर पर मेगन बुक पढ़ रही होती है तभी उसे डॉग के बार्किंग की आवाज आती है। वो टॉर्च लेकर बाहर आती है, वहां एनेस्टीसिया से मिलती है। एनेस्टीसिया मेगन को अपना नाम एनीमे बताती है। मेगन एनेस्टीसिया को लेकर पड़ोस के खाली घर में ले जाती है। अगली सुबह मेगन एनी को अपने रूम में ले आती है। वहाँ एनी रोमानोवा फैमिली की बुक पढ़ती है जिसमें लिखा था कि सारी फैमिली मेंबर मारे गए, जिससे एनी बहुत सैड हो जाती है। फिर वो दोनों प्लेग्राउंड जाती है जहाँ बेट्रेस आकर मेगन को बुली करने लगती है, लेकिन एनेस्टीसिया मैजिकल पावर से बुशेस से उसका पैर पकड़ लेती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। एनेस्टीसिया का ड्रेस मिडसन के लोगों के हिसाब से काफ़ी अलग होता है। मेगन एनी को उसके वक्त के एडवांस चीज़ों के बारे में बताती है, जैसे हेडफोन, टीवी। फिर ये दोनों पॉप स्टार ब्लिस के कॉन्सर्ट में जाती हैं जहां वो दोनों बहुत इंजॉय करती हैं। फिर एनेस्टीसिया भी अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। फिर हम रेस्पुतिन को देखते हैं जो यारा की मैजिक के असर से मिडसन आता है एनेस्टीसिया को वापस ले जाने। उसका गेटअप देखकर सब उसे बहुत वियर्ड समझते हैं। फिर वो मॉल पहुंचता है क्योंकि उसने एनेस्टीसिया पर ट्रैकर लगाया था। अब वो उसे फॉलो करते हुए एनेस्टीसिया को ढूंढ रहा था। वहां रेस्पुतिन बहुत अजीब हरकतें करता है, तभी एनेस्टीसिया को देख लेता है। वो उसे फॉलो करते हुए चेंजिंग रूम पहुंचता है जहां एनेस्टीसिया का ड्रेस पड़ा होता है। आगे मेगन एनेस्टीसिया को अपने घर पर ले जाती है। मेगन के पेरेंट्स को एनेस्टीसिया बहुत पसंद आती है। रात को बात करते हुए मेगन एनेस्टीसिया को एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट देती है जो उसने 2 साल पहले खरीदा था, मगर उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया। मेगन एनेस्टीसिया से सच्चाई पूछती है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि एनेस्टीसिया कोई नॉर्मल लड़की नहीं है क्योंकि उसका पेंडेंट जैसे ग्लो करता था और स्टार्ट में जैसे उसने बुशेस को कंट्रोल किया था। एनेस्टीसिया को मेगन पर भरोसा हो गया था, इसलिए वो उसे रोमानोवा फैमिली की बुक दिखाकर सारी सच्चाई बता देती है। नेक्स्ट डे दोनों हेलोवीन पार्टी में हॉन्टेड मेज जाते हैं। उनको ढूंढते हुए रेस्पुतिन भी वहां आ जाता है। हॉन्टेड मेज में घुसकर मेगन और एनेस्टीसिया अलग अलग तरफ जाते हैं। एनेस्टीसिया रेस्पुतिन को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसका पेंडेंट रेड चमकने लगता है। मौके का फायदा उठाकर रेस्पुतिन एनेस्टीसिया को उठाकर ले जाता है। एनेस्टीसिया का ब्रेसलेट वहीं गिर जाता है। रेस्पुतिन सामने खड़ी कार को मैजिक से तबाह कर देता है। एनेस्टीसिया को लेकर पोर्टल के पास जाने लगता है। इधर मेगन को एनेस्टीसिया का ब्रेसलेट मिलता है और उसे लगता है एनेस्टीसिया भी उसे छोड़कर चली गई। वो सैड होकर घर वापस आ जाती है और वो टीवी में हॉन्टेड मेज पर एक्सीडेंट के बारे में न्यूज देखती है, तो पीछे उसकी नजर एनेस्टीसिया पर पड़ती है। कोई उसे लेकर जा रहा था। मेगन तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ती है। इधर रेस्पुतिन
दिन एनेस्थीसिया को बातों गातों में बताता है उसकी फैमिली जिंदा है। वो उसे पोर्टल में ले जाता है, तभी मेगन वहां आकर रेस्पुतिन पर अटैक कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। वो मेगन को बताती है उसकी फैमिली को बचाने के लिए उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। उसके लिए उसे प्लेग्राउंड के ब्लू पोर्टल से होते हुए अपनी दुनिया में जाना होगा। वो दोनों प्लेग्राउंड जाने लगती हैं, तभी रेस्पुतिन वहां आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है। दोनों उससे बचते हुए एक दूसरे से इमोशनली गले मिलते हैं और एक दूसरे को बाय बोलते हैं। मेगन रेस्पुतिन को डिस्ट्रैक्ट करती है। एनेस्थीसिया ब्लू पोर्टल में जाने ही वाली थी कि रेस्पुतिन एनेस्थीसिया को पकड़ लेता है और पोर्टल को रेड कर देता है। एनेस्थीसिया रेस्पुतिन को पुरानी सारी बातें याद दिलाती है, उन दोनों की दोस्ती, उनकी लॉयल्टी याद करके रेस्पुतिन पर से यारा का मैजिक खत्म हो जाता है। वो दोनों गले मिलते पोर्टल से अपनी दुनिया में उस इंसिडेंट से 2 मिनट पहले पहुंच जाते हैं जहां रेस्पुतिन पोर्टल बना रहा होता है। एनेस्थीसिया अपनी फैमिली को लिए पोर्टल से कैसल के बाहर आते हैं। प्रिंसली उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। रेस्पुतिन पीछे रहकर उनकी हेल्प करने का फैसला करता है। मूवी के एंड में मेगन के पेरेंट उसे उनके नए पड़ोसी वेलकम गिफ्ट देने भेजते हैं। वहां जाकर मेगन को पता चलता है उसकी ग्रैंड मदर एनेस्थीसिया है, जो उसे अंदर बुलाकर सारी स्टोरी बताती है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।